हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं दो डायपर पैंट्स की। एक है बेबी हब का एडवांस डायपर पैंट्स और एक है बेबी हब का बबल केयर प्रीमियम डायपर पैंट्स। तो ये दो डायपर ही मैं कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ। बेबी हब का एडवांस डायपर जो पैंट है उसके प्रोडक्ट रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, आप आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर लेना। तो मैं कुछ दिनों से बेबी हब का जो प्रो बबल केयर पैंट्स है वो मैं यूज कर रही हूँ। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, दोनों में से कौन सा वाला डायपर ज्यादा अच्छा लगा, किसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ डिटेल्स में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो फर्स्ट मैं कंपेयर करूंगी प्राइस की। बेबी हब का जो प्रो डायपर पैंट्स है वो मैंने लिया था 21 वाला लिया था। उसका प्राइस मुझे बेबी हब का सारे डिस्काउंट वगैरह देके मुझे आया था 294। तो अगर पर पीस मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका प्राइस आता है 14 रुपीज पर पीस। और बेबी हब का जो एडवांस डायपर पैंट्स है वो मैं 76 का लेती हूँ और सारे डिस्काउंट वगैरह देके मोस्टली ज्यादातर टाइम पे वो मुझे 660 में आ जाता है। तो पर पीस इसका प्राइस आता है लगभग 8 पॉइंट समथिंग। तो मैं अगर राउंड ऑफ करूं तो वो 9 के आसपास है। तो अगर प्राइस की कंपेयर करूं बेबी हब प्रो जो डायपर है उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, एक का 14 एक का 9, तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। नंबर टू, अभी मैं बात करती हूँ क्वालिटी की। देखिए जो बेबी हब प्रो डायपर पैंट्स है उसका वेस्ट बैंड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा एज कम्पेयर टू बेबी हब एडवांस डायपर पैंट्स। बेबी हब एडवांस डायपर पैंट्स का भी जो वेस्ट बैंड है वो भी स्ट्रेचेबल है, लेकिन बेबी हब प्रो से थोड़ा कम है क्वालिटी में। बेबी हब प्रो जो डायपर पैंट्स है वो मुझे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगता है। इसको अगर आप टच करोगे तो ही आप समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल से ये बना है। इसका जो इलास्टिक का मटेरियल है ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। बेबी हब एडवांस डायपर पैंट्स जो है वो भी सॉफ्ट है, लेकिन बेबी हब प्रो डायपर पैंट्स के पास ये कुछ भी नहीं है। सॉफ्टनेस बेबी हब प्रो डायपर पैंट्स का जो है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक सॉफ्टनेस जो कि बच्चे के डेलिकेट स्किन के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नंबर थ्री, मैं बात करती हूँ साइज की। देखिए मोस्टली न्यू बॉर्न का साइज होता है अपटू 4 kg, जिसमें एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए होता है। स्मॉल लगता है 4 to 8 kg, 7 to 12 kg चाहिए होता है मीडियम साइज। लेकिन मैं बेबी हब प्रो वाला जो यूज करती हूँ वो हिसाब से मेरे बच्चे का वेट मोर देन 8 kg है, तो उस हिसाब से मुझे वो मीडियम वाला यूज करना चाहिए। लेकिन ये इसका साइज, इसका जो स्ट्रेट बैंड वेस्ट बैंड है ये इतना बड़ा है, तो ये मुझे स्मॉल साइज ही हाथ के ऊपर फिट हो जाता है। लेकिन बेबी हब एडवांस जो डायपर पैंट है वो मुझे मीडियम साइज की लेना होता है। तो आप ये दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लेंथ विड्थ वेस्ट बैंड है सब कुछ बेबी हब प्रो डायपर का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है एज कंपेयर टू बेबी हब एडवांस डायपर पैंट। नंबर फोर, दोनों में से किसी में भी मुझे अभी तक लीकेज का प्रॉब्लम नहीं लगा। मोस्टली ये तो कहते हैं कि 12 आवर्स ड्राइनेस है और इवन लिक्विड स्प्रेड होता है, दोनों ही ये दावे करते हैं। लेकिन मैं मोस्टली 4 या 5 घंटे के बाद मुझे डायपर चेंज करना होता है। दोनों में ही बच्चे कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे कहीं से ये फील हुआ कि बेबी हब प्रो जो डायपर है वो बच्चे ज़्यादा उससे कंफर्टेबल है, क्योंकि उसका सॉफ्टनेस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोनों में किसी में भी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं है। नंबर फाइव, दोनों में ही एंटी रैश शील्ड दिया हुआ है। तो मैं लगभग बेबी हब प्रो 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ, उसके पहले अप टू 6 मंथ तक मैंने बेबी हब का एडवांस डायपर पैंट्स यूज किया है, तो किसी में मुझे अभी तक रैश का कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। बेबी हब प्रो जो डायपर है उसमें एक बहुत ही चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें डिस्पोजेबल टेप दिया हुआ है। तो ये डिस्पोजेबल टेप बहुत ही कमाल की चीज है। आप डायपर यूज कर रहे हैं उसके बाद जब भी आप इसको थ्रो करने जाते हो तो आप इसको रोल ऑन करके ऐसे थ्रो कर सकते हो ताकि डायपर के अंदर जो भी है तो वो बाहर ना आ जाए, कुछ भी लीक ना करे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि बेबी हग एडवांस डायपर पैंट्स में ये फैसिलिटी नहीं है। और बेबी हग प्रो जो डायपर पैंट्स है उसमें वेट इंडिकेटर है, तो आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जब भी आपके बेबी का डायपर फुल हो जाता है तो आप कलर चेंज देख के
समझ सकते हो कि अभी डायपर चेंज करने का टाइम भी आ गया है। बेबी हैव प्रो जो डायपर पैंट है उसके पीछे उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है सब कुछ लिखा हुआ है, आइए वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें बबल लेयर टॉप शीट दिया हुआ है, सॉफ्ट मटेरियल विथ रिड्यूस स्किन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, डिस्पोजल टेप है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, सुपर स्ट्रेची वेस्ट बैंड है, ब्रेथेबल मटेरियल है, एक्टिव जेल है, लीक गार्ड है, इवन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्विजिशन डिस्पर्शन लेयर भी है। और बेबी हग एडवांस जो डायपर पैंट है उसके भी पीछे लिखा हुआ है उसके सारे एडवांटेजेस, जैसे यहाँ पे हनीकॉम मिडल लेयर यूज किया जाता है, इवन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी आता है, एक्टिव जेल है, 3D लीक गार्ड है, एंटी रैश शील्ड है, इसमें एलोवेरा दिया हुआ है, फ्लेक्सिबल वेस्ट बैंड है। तो अब मैं बात करती हूँ मेरी चॉइस की। देखिए मैं दोनों डायपर ही यूज कर रही हूँ बहुत दिनों से, तो मुझे दोनों प्रोडक्ट में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, किसी में भी लीकेज नहीं है, किसी में रैश का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा वेट ही हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं तो ऑफकोर्स मैं ज्यादा मार्क्स बेबी हग प्रो बबल केयर पैंट्स को ही दूंगी इसकी सॉफ्टनेस के वजह से, क्योंकि इसका सॉफ्टनेस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका जो वेस्ट बैंड है, इसका जो विड्थ है, इसका जो लेंथ है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि जब बच्चे फुल डे डायपर पहना हुआ होता है तो डायपर का क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, वरना बच्चे को भी उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन फील हो सकता है। मैं आहन के ऊपर ये 2-3 महीने से यूज कर रही हूँ, मुझे होल नाइट में एक बार भी डायपर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होता है, और मैंने आहन को कभी कोई भी इरिटेशन या फिर कोई भी इचिंग प्रॉब्लम, कुछ भी उसको अनकंफर्टेबल सा फीलिंग हो रहा है ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगा। प्राइस की अगर बात करूं, हाँ प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू बेबी हग एडवांस डायपर पैंट्स। तो अगर आपके पॉकेट को ये प्राइस सूट कर रहा है देन ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर द बेबी हग प्रो बबल केयर पैंट्स, इट इज बेटर देन बेबी हग एडवांस डायपर पैंट्स। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग, आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।